हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो ये टाइम है संडे की अर्ली मॉर्निंग का, यानी कि ये व्लॉग मैंने लास्ट संडे शूट किया था, अपलोड मैं आज कर रही हूँ। इसीलिए जो मैंने पिछले व्लॉग में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको पनीर कैसे घर पे बनाते हैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, तो वो आज इस व्लॉग में मैं नहीं कर पाऊँगी, नेक्स्ट व्लॉग में पक्का। तो आज संडे को उठते ही मैंने और कुछ भी नहीं किया, डायरेक्ट अपने किचन में आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। इतनी जल्दी खाना क्यों बना रही हूँ मैं आज? अभी तक टाइम 5:15 के अराउंड हुए हैं। एक तो आज संडे है, घर में ऑलरेडी बहुत सारे काम होते हैं। दूसरा, आज मुझे डे आउट पे जाना है। मोस्टली डे आउट पे जाना मतलब अपनी फ्रेंड्स के साथ जाना। तकरीबन पूरा दिन ही आज मैं बाहर रहूँगी, हम लोग रात को ही वापस आएंगे, लेकिन पीछे से फैमिली खाने के लिए परेशान ना हो इसके लिए सारा इंतज़ाम मैं करके जाऊँगी। दो डिशेस बना के जा रही हूँ और वो भी इंस्टेंट वाली, मतलब जब टाइम आपके पास कम होता है तो फटाफट से आप इसे बना सकते हैं। चने बना रही हूँ मैं बिना तड़का लगाए। आप देखिए कितनी ईजी रेसिपी है, रेसिपी ऐसी जो ईजी भी लेकिन टेस्ट के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। पानी में चाय पत्ती मैंने पहले उबाल ली, उसके बाद टमाटर और हरी मिर्च को काट के ग्राइंड कर लिया, उसका पेस्ट रेडी कर लिया। अब जब हम प्रेशर कुकर में चने डालेंगे उसी वक्त सारा सामान डाल देंगे, यानी कि प्रेशर कुकर में चने के साथ साथ चाय पत्ती का पानी, तेज पत्ता, नमक डाला, हल्दी डाली, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, साथ ही टमाटर और मिर्च का जो पेस्ट रेडी किया था वो भी इसमें डाल देना है। प्रेशर कुकर बंद कर देंगे, एक विसल आ जाए उसके बाद लो फ्लेम पे 20 से 25 मिनट और कुक करेंगे। चने एक बार बॉयल हो जाएं उसके बाद सिर्फ 5 मिनट का काम होगा। तब तक हम तैयारी कर लेते हैं सोया चंक्स करी बनाने की, जिसके लिए पानी में थोड़ा सा नमक डाल के सोया चंक्स को हम बॉयल कर लेंगे। तब तक हम प्याज वगैरह काट लेते हैं तड़का रेडी करने के लिए। एक बार ये चना रेसिपी और सोया करी ट्राई जरूर कीजिएगा। तो सोया करी बनाने के लिए ऑयल में सबसे पहले मैंने डाला सूखा धनिया, साथ ही जीरा डाल दिया, गार्लिक डाल दिया है, हरी मिर्च डाल दी है और साथ ही डाल दिया प्याज। मीडियम टू लो फ्लेम रखा है, इसको हम सॉटे कर लेंगे। यहाँ पे हमारे सोया चंक्स जो हैं वो बॉयल हो चुके हैं ठंडा पानी डाल के, बस इनको निचोड़ के मैं साइड रख दूंगी, फिर हम इसकी मैरिनेशन रेडी करेंगे। तो मैरिनेशन के लिए नमक, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, थोड़ी सी मैंने इसमें डाली है कसूरी मेथी, साथ ही 3 से 4 बड़े चम्मच हम दही के डाल देंगे। सब चीज़ों को आपस में अच्छे से कोट कर देंगे और इसे साइड रख देंगे। नमक वगैरह हमने चंक्स में डाल दिया है, लेकिन थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल रही हूँ मैं प्याज में। उसके बाद कटे हुए टमाटर इसमें डाल देंगे, इसे भी अच्छे से हम भून लेंगे जब तक टमाटर गल नहीं जाते। सोया चंक्स को कुछ और देर मैरिनेशन में रहने देते हैं। तड़का रेडी हो गया है, मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है। चने बॉयल हो गए हैं, उसकी भी फ्लेम ऑफ कर दी है। अब जब तक प्रेशर रिलीज होगा और जब तक तड़का ठंडा होगा ग्राइंड करने के लिए, तब तक मैं स्टफी को वॉक से वापस लेके आ जाऊंगी। अगर एज ए पेट आपके घर में कोई डॉग है तो उसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप अपने पूरे दिन की कोई और एक्टिविटी शायद स्किप कर भी सकते हैं, लेकिन ये वॉक जो है वो आप स्किप नहीं कर सकते। अभी पहले सोया चंक्स का काम ही खत्म कर लेते हैं। तो प्याज टमाटर जो मैंने ग्राइंड किए हैं उसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी मैंने डाल दिया था। तो आप ये शिमला मिर्च वगैरह अगर आप डालना चाहें डाल सकते हैं, प्याज डालना चाहें डाल सकते हैं, अदरवाइज इसे स्किप कर सकते हैं। वैसे ही आप सोया चंक्स करी बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेगी। तो बटर डाला है मैंने उसी पैन में और उसके बाद उसमें मैंने कुछ डाल दिया खड़े मसाले, जैसे कि तेज पत्ता, बड़ी इलायची और दालचीनी। सॉटे कर लेंगे इस बटर में हम शिमला मिर्च और प्याज को, हल्का सा नमक भी डाल दिया है। उसके बाद मैंने सोया चंक्स जो मैरिनेट किए थे वो इसमें डाल दिए। मसाला हमारे पास तैयार है, अब आप उसे पहले भी डाल सकते थे लेकिन अभी बाद में भी इसको डाल सकते हैं। तो बस अब कुछ नहीं करना, सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा पानी डालना चाहें तो पानी डाल सकते हैं और अब बस लेट लगा के मीडियम फ्लेम पे से 10 से 12 मिनट पकने दीजिए। चने जैसे कि मैंने कहा कि बॉयल हो गए हैं, फाइनल टच उसे देंगे। देसी घी डाला है मैंने कढ़ाई में, थोड़ा सा बटर डाल दिया, सूखी लाल मिर्च डाली है, गार्लिक डाला है, गार्लिक की जगह आप चाहें तो जिंजर भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा मैंने इसमें हींग डाला है, जो आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो बस इसमें बॉयल किए हुए चने हमने डाल देने हैं। थोड़े से चने अलग से निकाल के मैंने ग्राइंडर जार में उसे ग्राइंड कर लिया ताकि थोड़ी ग्रेवी जो है वो थिक हो जाए। आमचूर डाला है थोड़ा सा, चना मसाला डाला है, थोड़ा चाट मसाला डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। हरे धनिया के साथ गार्निश कीजिए, बहुत टेस्टी चने बनते हैं और बहुत ही जल्दी बनते हैं। चलो जल्दी।
सब्जियां तो मैंने बना दी है, रोटी राइस जो भी बनानी होती है उतना तो जो पीछे से रहते हैं वो मैनेज कर लेते हैं। हम इंडियन होम मेकर्स हैं, कोशिश हमारी यही होती है कि अगर हम कहीं भी जा रहे हैं बाहर इंजॉय करने के लिए तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी पूरी करके जाएं। लॉन्ड्री के लोड भी मैंने लगा दिए हैं, प्लांट्स को पानी दूंगी, बस अब तैयार होना स्टार्ट करूंगी। उदय रोज़ सुबह मेरे साथ जिम जाता है, आज संडे है, जिम की छुट्टी है, लेकिन आजकल वो शाम को वॉक भी जा रहा है, यानी जॉगिंग करने जाता है जैस्मिन को साथ लेकर, लेकिन आज संडे है तो दोनों मॉर्निंग में जा रहे हैं। आज सुबह से मैं खाली पेट ही काम कर रही हूँ, इवन कि मैंने अपनी कॉफ़ी भी नहीं ली जो मैं मॉर्निंग में लेती हूँ। सब काम खत्म करके अब मैं अपनी कॉफ़ी पीऊँगी, और जब से मेरे पास ये कारो का कॉफ़ी मेकर आया है इसका टेस्ट मेरे मुंह को ऐसा लगा है आई थिंक मैंने एक भी दिन कॉफ़ी मिस नहीं की होगी, क्योंकि ये टेस्ट देने के साथ साथ मुझे रिचार्ज भी करती है। हल्की सी भी अगर मुझे अपनी एनर्जी लो फील होने लगे तो एक कप कॉफ़ी पी लेने के बाद एकदम से मेरी एनर्जी बूस्टअप हो जाती है। चलिए आज कुछ फन मस्ती करते हैं, रुचि का बर्थडे एंजॉय करते हैं, पार्टी वार्टी खाते हैं, तो इसीलिए पेट खाली रखा है मैंने, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। हाय हाय, आज तो जागो ड्राइव कर रही है। ओ भी जागो। हाय बर्थडे गर्ल। हांजी हांजी, शुभ है जागो। क्या लेके बैठे हो आप? केक मेड बाय जागो। केक देख, केक भी तेरे यार खुद बनाने लग गए। और क्या, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? क्या करेंगे। घर में तो हम बहुत सारे रोल प्ले करते हैं और बहुत सारी जिम्मेवारियां भी निभाते हैं, लेकिन ये कुछ घंटे जो दोस्तों के साथ हम बिताते हैं ना, इसमें ये पता नहीं रहता कि एक्चुअल में हम हैं कौन। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ जब होती हूँ टोटली एक डिफरेंट पर्सनैलिटी बन जाती हूँ। क्या आप भी यही चीज़ फील करते हैं? खैर, रुचि का बर्थडे 1 सितंबर को था, लेकिन पार्टीज वगैरह हम लोग वीकेंड्स पे ही प्लान करते हैं। गाइस, ये केक जागो ने खुद बनाया है भाई, कमाल कर दिया, केक आर्टिस्ट बन गई है ये। सबसे पहले ब्रेकफास्ट के लिए रुचि हमें ले आई सैम पिज़्ज़ा सेक्टर 9 में, और वहीं पे उसने अपना बर्थडे केक भी कट किया जो जागो ने खुद बनाया था, क्योंकि जागो अब केक बनाना सीख रही है। और वो केक उसने रुचि की चॉइस का ही बनाया, केक जितना देखने में सुंदर था उतना ही खाने में टेस्टी। बहुत मजा आ रहा है, मजा आ गया। खुश होगी कुड़ी, चलो शुक्र है। इसका गिफ्ट दे दो यार। ये सुन लेके ना हमारे तीनों के मुंह से एक साथ हो गया था। वाओ, वाओ, जय सुट फुला, वेरी नाइस, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मेरे पास है भी नहीं ऐसा। यहाँ पे बफे सिस्टम है, और यहाँ सैलड के साथ साथ सूप मिल जाता है, और सूप के साथ साथ आपको पिज़्ज़ा मिल जाता है जितना आप खाना चाहें। सैलड तो खाया जाएगा, सूप भी पिया जाएगा, लेकिन अगर पिज़्ज़ा की बात करें तो जो लोग नहीं ज़्यादा शौकीन है पिज़्ज़ा खाने के उनसे उतना पिज़्ज़ा खाया नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत चीज़ी होता है वो। बट बर्थडे रुचि का था तो बर्थडे गर्ल ने जो हमें कहा हमने वो ट्राई किया। वो चाहती थी कि हम कुछ डिफरेंट ट्राई करें, तो काफ़ी वक्त हम सब ने वहाँ पे साथ बिताया, बहुत सारी बातें की, कुछ पिक्स क्लिक की, और उसके बाद हम निकल पड़े आगे। प्लान में ऐसा कुछ नहीं था कि कहाँ जाएंगे, बस ये था कि पूरा दिन साथ बिताएंगे।
रुचि को तो लॉन्ग और हिली एरियाज में ड्राइव करते हुए आपने बहुत सारे व्लॉग्स में देखा है, लेकिन फिर वो ड्राइव करती रहती है, उतना इंजॉय नहीं कर पाती। इसीलिए आज उसके बर्थडे पे जागृति ने उसे कहा कि तुम ड्राइव नहीं करोगी, तुम सिर्फ इंजॉय करोगी, मैं ड्राइव करूंगी। और सच में ड्राइव करते करते वो हिली एरिया भी चली गई थी, और इस चीज़ ने सच में हमें काफ़ी खुश किया, क्योंकि वन बाय वन जब दो लोग ड्राइव करते हैं तो एक के ऊपर ही सारा बर्डन नहीं आ जाता। गाइज हम लोग बहुत दूर निकल आए थे, रोक तक तो पहुंच ही रहने वाले थे। एंड जागो मेड अस प्राउड कि इतना ड्राइव किया उसने। कितनी लॉन्ग ड्राइव होती है और सिर्फ रुचि ड्राइव कर रही होती है, और वो हमें भी अच्छा लग रहा है। हमेशा रुचि को हमारे हम तीनों को टेंशन होती है, आज फर्स्ट टाइम सच में एंजॉय कर रही है। सीरियसली डियर आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू जागृति बिकॉज शी ड्राइव सो वेल। चलो टच नजर ना लगे। जब इतना आगे तक हम लोग आ ही गए थे तो सोचा वापस जाके क्यों, यहीं से डिनर करके ही वापस चलते हैं। तो रुचि ने फिर वहीं पे एक रेस्टोरेंट में हमें डिनर करवाया, उसके बाद बहुत सारी मस्ती करके बहुत सारी मेमोरीज बना के हम लोग घर वापस आ गए। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।